कोडरमा नगर पंचायत देश की पहली ऐसी नगर पंचायत होगी जो वाईफाई की सुविधा से लैस होगी। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र को वाईफाई बनाने के लिए रघुवर सरकार ने पहल तेज कर दी है। झारखंड की रघुवर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में जुट गई है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत रघुवर सरकार कोडरमा नगर पंचायत की डिजिटलाइजेशन में जुट गई है। इसके तहत कोडरमा शहर के सभी वार्डों को वाईफाई की सुविधा से लैस किया जा रहा है। कोडरमा का जो नगर पंचायत क्षेत्र है इसको टोटली वाईफाई जोन में कन्वर्ट करें, इसके लिए BSNL से हम लोगों की बातचीत चल रही है। इसके लिए जो निधि है उसकी उपलब्धता जिला योजना निधि से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का प्लान है कि हमारा जो नगर पंचायत क्षेत्र है अब टोटली वाईफाई हो जाए, और उससे जैसे ही हमारा पोर्टल कोई खोलेगा तो उसमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ प्रदर्शित हों और उसमें वो सारे आवेदन भी उपलब्ध रहें, ताकि व्यक्ति हमारे इस पंचायत क्षेत्र में आए तो आते के साथ ही उसमें अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकें। कोडरमा नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं और आबादी है करीब 25,000 की। मुफ्त वाईफाई मिलने का एक फायदा ये होगा कि लोगों का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। सरकार की इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। कोडरमा जिला में वाईफाई होने जा रहा है, जिससे आज हम लोग पैसा दे के नेट भराते थे 3 मोबाइल 4 मोबाइल में, वो अब हमारे बाल बच्चे लोग को नहीं भराना पड़ेगा, वो वाईफाई से ही चलाएंगे। नेट का तो बहुत जरूरत पड़ता है, नेट बिना कोई काम ही नहीं होता है। शिक्षा में जाइए, नेट का सुविधा मिलना चाहिए। अब वाईफाई का जमाना आ गया, वाईफाई सरकार दे रही है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जोन को वाईफाई से लैस करने के लिए सरकार की BSNL से बात चल रही है। वाईफाई क्षेत्र हो जाने के बाद लोगों को न सिर्फ मुफ्त इंटरनेट मिलेगा बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और उसके आवेदन भी वाईफाई पोर्टल पर मिलने लगेगा। रघुवर सरकार का भी यही मकसद है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी हर लोगों तक पहुंचे। गजेंद्र, जी।